Hello students and welcome back to the another session of breathing and exchange of gases of class 11. And today we will discuss about the exchange of gases into the human respiratory system. So it's a very important topic for the NEET examination as well as for the academic examination. So kindly watch the video till the end so that you can get all the concepts, all the important questions related to this topic. Okay, so let's start the session with the exchange of gases. Okay, so is exchange of gases mein, first of all you have to understand that the entire process is based on diffusion. And what is diffusion mean? Diffusion means the movement of substances from the higher concentration to the lower concentration. So पूरा जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो डिफ्यूजन पे बेस्ड है. ओके, तो दिस वन इज मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू डिफ्यूजन. ओके, बट ये जो पूरा प्रोसेस है डिफ्यूजन पे बेस्ड, ये एक्चुअल में होगा कैसे, ये हम लोग अब इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अब ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसमें एक चीज तो क्या होगी, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन, बट एक्चुअली द एंटायर मूवमेंट ऑफ गैस means the kinetic motion of molecule. It simply means ये जो atmospheric air आप देख रहे हो, that air consists of number of gases, है ना? For example, oxygen, carbon dioxide, nitrogen and so on. तो important क्या है कि कोई भी gas atmospheric air में stable नहीं है. Stable का मतलब steady नहीं, they keep on moving. तो gas का जो movement है, that movement is known as kinetic motion of molecule or gas. Clear? And that kinetic motion means the movement of gas which is related to the partial pressure of gas. तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हर एक गैस का अपना एक kinetic motion है. और सिंपली अगर मैं कहूं तो हर एक गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर है, जिस प्रेशर पे ये गैस मूव करता है इनटू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. बात समझ में आ रही होगी आपको. एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ गैस, यानी जितना ज्यादा गैस उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर. तो बेसिक चीज क्या थी, ये जो मूवमेंट ऑफ गैस है विच इज नोन एज काइनेटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दैट काइनेटिक मोशन इज बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. क्लियर? तो अगर मैं इसको सिंपली कहूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस अलोन, एंड दैट इंडिविजुअल गैस प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कितना डिफ्यूज्ड होगा गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस. क्लियर? यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतना फास्टर डिफ्यूजन. ओके, तो मोर द पार्शियल प्रेशर, मोर प्रेशर इज इक्वल टू मोर डिफ्यूजन. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा. तो मोर प्रेशर इज इक्वल टू more diffusion, and that pressure which are exerted by the individual gas, ये जो pressure आप देख रहे हो by individual gas, that pressure is known as partial pressure.
क्लियर हुआ यहां तक? एंड दैट पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ओ टू फॉर ऑक्सीजन एंड पी सी ओ टू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इस कंसेप्ट में एक चीज तो क्लियर है ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, यानी जितना एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होगा या जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस बेस्ड किस पे है। बट एक चीज आपको और समझनी होगी कि इस एटमोस्फेरिक एयर में, अगर एटमोस्फेरिक एयर की बात हो रही है, तो इस एटमोस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 158 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्लियर? एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये प्रेशर है, इट्स PO2, सॉरी यहां पे हम PO2 मेंशन करेंगे, P स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर, एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब कैसे ये प्रेशर और पार्शियल प्रेशर बेस्ड है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं। अब ये पूरा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज मेनली टेक्स प्लेस बाय रेस्पिरेटरी मैम्ब्रेन। तो ये चीज भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट एक चीज हम लोगों ने समझा जो बेसिक कंसेप्ट था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। अब वो जो पार्शियल प्रेशर है, कैसे वो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रमोट करेगा, ये हम लोग समझेंगे थ्रू द रेस्पिरेटरी मैम्ब्रेन। तो ये रेस्पिरेटरी मैम्ब्रेन बनता कहां पे है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको एक अल्वियोलाई को समझना होगा। तो ये मैं एक अल्वियोलाई शो कर रहा हूं, एंड इस अल्वियोलाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सराउंडिंग में, यहां पे हम लोग एक अजम्पशन लेके चलेंगे एटमोस्फेरिक एयर का। ओके, यहां पे ये एटमोस्फेरिक एयर का अजम्पशन हम लोग लेके चलेंगे। ओके, अब इस एटमोस्फेरिक एयर से जब इनहेलेशन होगा तो ये अंडरस्टूड है जो ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है, यानी जो इंस्पायर्ड एयर है, इसका पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये होगा यहां पे 158 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो दिस इज द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसको मैं मेंशन कर रहा हूं इंस्पायर्ड एयर। ओके, तो ये चीज आपको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द रेस्पिरेटरी मैम्ब्रेन। अब इस इंस्पायर्ड एयर का जो प्रेशर है वो यहां आने के बाद थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूस्ड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे कुछ अमाउंट पहले से ही प्रेजेंट है। आपने पल्मोनरी एयर वॉल्यूम अगर पढ़ा है तो आप जानते हो कि कुछ अमाउंट एयर का यहां पे हमेशा स्टोर रहेगा ना, चाहे वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के फॉर्म में हो, चाहे रेसिडुअल वॉल्यूम के फॉर्म में हो। तो जो अमाउंट यहां पे स्टोर होगा, इसमें भी एक चीज क्लियर है कि जो अमाउंट ऑफ एयर यहां पे स्टोर है, तो इस अमाउंट ऑफ एयर में ये भी क्लियर है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, होगा ना, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट ऑफ एयर स्टोर है इट इज अप्रोक्स अबाउट 5.4% ऑफ गैस
तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है ना कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो जब ये इंस्पायर्ड एयर यहां पे मिक्स्ड होगा ना, तो ये चीज क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगी कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहां पे CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इस चीज को आप ऐसे समझो कि अगर कोई बॉटल है आपके पास जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, ओके, और ये ऑलरेडी आपका 300 ml फिल्ड है, 300 ml यहां ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये अंडरस्टूड है जो प्रेशर 1 लीटर का, जो प्रेशर 1 लीटर का सराउंडिंग में है वो अंदर आने पे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहां सिर्फ अभी हम 700 ml ही फिल कर सकते हैं, तो जो एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एयर आएगा वो हम सिर्फ 700 ml ही फिल कर सकते हैं, है ना। तब भी ये क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एक्सपायर्ड एयर में था 158 mmHg, बट जैसे ये अल्वियोलर सैक में या अल्वियोलाय में एंटर करेगा जहां पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट था, दैट इज अप्रोक्स अबाउट 5.4%, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो जब ये गैस मिक्स्ड होगा विद इंस्पायर्ड एयर तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाएगा थोड़ा सा कम, यानी ये हो जाएगा 104 mmHg मिलीलीटर ऑफ मर्करी। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कुछ अमाउंट पहले से स्टोर था, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का स्लाइट कम हो गया एंड इट गोज टू 104 mmHg। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको याद रखना है कि इंस्पायर्ड एयर का पार्शियल प्रेशर 158 एंड ये अल्वियर एयर का जो पार्शियल प्रेशर है, अल्वियर एयर का जो पार्शियल प्रेशर है ये होगा 104 mmHg, इट इज 104 mmHg, क्लियर ना, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये जो गैस यहां प्रेजेंट है, यानी जो ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है, अब इसका एक्सचेंज कैसे होगा इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके जस्ट नीचे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर ये अल्वियोलर सैक है, अल्वियोलाय है, तो यहां पे रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी होंगी, तो मैं एक कैपिलरी सिर्फ यहां पे शो करूंगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो एक कैपिलरी हम लोग फॉर अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये हो गया आपका ब्लड कैपिलरी, अब देखिए होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये होगा थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान समझनी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक्चुअली, अब ये हम लोग समझेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, व्हाट एक्चुअली द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, वो हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है पूरा अल्वियोलाय, तो अल्वियोलाय का जो पोर्शन कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, इस ब्लड कैपिलरीज के, तो ये हो गया आपका अल्वियोलर एपिथेलियम। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, मैं इसको मार्क कर रहा हूं एज अ फर्स्ट कंपोनेंट, अल्वियोलर एपिथेलियम। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। नंबर टू, ये जो बिल्कुल आउटर लाइनिंग आप देख रहे हो अल्वियोलर एपिथेलियम की, दिस लाइनिंग इज नोन एज सेकेंड कंपोनेंट, मींस बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन
ऑफ अल्वियुलर एपिथीलियम, अल्वियुलर एपिथीलियम. बेसिकली दिस अल्वियुलर एपिथीलियम इज स्क्वामस एपिथीलियम. तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, दिस इज स्क्वामस एपिथीलियम. तो दो कंपोनेंट्स तो आपको क्लियर हो गए, अल्वियुलर एपिथीलियम द फर्स्ट कंपोनेंट, ओके, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियुलर एपिथीलियम. द थर्ड कंपोनेंट इज ये जो स्पेस आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस. तो ये हुआ थर्ड कंपोनेंट. फोर्थ कंपोनेंट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज. थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते. तो दिस वन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियम. एंड द लास्ट कंपोनेंट, द फिफ्थ कंपोनेंट इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज. क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्वियुलर एपिथीलियम द फर्स्ट कंपोनेंट, द सेकंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन मींस द आउटर लाइनिंग ऑफ अल्वियोलाई. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियुलर एपिथीलियम. द थर्ड कंपोनेंट इज इंटरस्टीशियल स्पेस थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. तो थर्ड इज इंटरस्टीशियल स्पेस. फोर्थ वन इज द आउटर पोर्शन ऑफ ब्लड कैपिलरी, मीन्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. एंड द फिफ्थ वन इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो एक्सचेंज तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होगा. अब ये कैसे होगा, इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ऑक्सीजन, देन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. लेट्स अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोसेस बहुत इजी है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज पे बेस्ड रहना है, दैट इज डिफ्यूजन. एंड ये सिंपल डिफ्यूजन है तो बहुत इजीली आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा. ओके, तो अगेन मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्वियुलर एयर में, अल्वियुलाई में मेनली जो इंस्पायर्ड एयर है, इंस्पायर्ड एयर मतलब जो एटमोस्फेरिक एयर है, यहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था ये कितना है, 158 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो इंस्पायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 158 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, इंस्पायर्ड एयर. क्लियर? एंड सेकंड क्या मैंने बताया था आपको कि जो अल्वियुलर सैक है, जो अल्वियुलाई है, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर स्टोर रहता है ना, एज ए रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. तो होगा क्या, इस एयर में, ये चीज आपको बहुत ध्यान समझनी है, इस एयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस अल्वियुलर सैक में या अल्वियुलाई में ज्यादा है. तो इससे क्या होगा कि जब ये मिक्स्ड होगा, जब ये मिक्स्ड होगा, यानी जो ऑक्सीजन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ 158 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जब मिक्स्ड होगा विद द अल्वियुलर एयर, तो ये अराउंड हो जाएगा 104 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो ये जो
टर्म यहां पे आप देख रहे हो, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियुलर एयर. तो अल्वियुलर एयर का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, अल्वियुलर एयर में है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg एंड इंस्पायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 158 mmHg. क्लियर? अब क्या होगा, अब एक्सचेंज ऑफ O2 के लिए, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी मैं शो कर रहा था कि ये ब्लड कैपिलरी है. क्लियर? इसको आप पल्मोनरी आर्टरी मान लो. पल्मोनरी आर्टरी आपको बहुत अच्छे से याद होगी. इनकेस अगर आपको नहीं याद है तो मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहां दे रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी के लिए. ओके? आपको याद होगा जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो फोर चैम्बर ऑफ हार्ट पढ़ते हो ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. एंड यहां पे हम एक अजम्पशन लेंगे लंग्स का एंड बॉडी का. मैं सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये पल्मोनरी वेन रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके? तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो एक्चुअली यहां पे फोर पल्मोनरी वेन्स एंटर होती है. ओके? तो ये फोर पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है एंड राइट वेंट्रिकल से जो वेसल लंग्स की तरफ जाती है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं. ठीक है? सिर्फ अभी इतना ही समझने की कोशिश करनी है आपको. मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं लंग्स एंड दिस वन इज बॉडी मेनली. तो ये चीज तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ में आई थी कि लेफ्ट ऑरिकल receives the four pulmonary veins from the lungs, two from each lungs, which brings oxygenated blood. अब हमें pulmonary vein का formation समझना है कि कैसे ये oxygenated blood को carry करके heart की तरफ जाएगा. Clear? And right ventricle क्या कर रहा था? Right ventricle brings deoxygenated blood towards the lungs. Okay? That is CO2. तो ये वही pulmonary artery है जो लंग्स की तरफ एंटर कर रहा है, कर रहा है ना. तो इसमें एक चीज तो अंडरस्टूड है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसमें 52.7%. ओके? द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी. बट इसमें इस पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा एज 5.4%. तो ऑक्सीजन इज 5.4% विद अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg. अब देखिए एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है. एक तरफ कंडीशन क्या है, यहां पे जो कंडीशन है अल्वियुलर एयर में इज 104 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अल्वियुलर एयर इज 104. तो इट इज मच हायर एज कंपेरेटिवली टू पल्मोनरी आर्टरी. यहां कितना है, 40 mmHg. तो ये डिफ्यूज कर जाएगा इनटू द ब्लड कैपिलरी और पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पल्मोनरी वेन. तो दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्योंकि ये 104 टू 40 की तरफ मूव करेगा. तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको. तो डिफ्यूजन क्यों हुआ यहां पे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो अल्वियुलर एयर में था वो 104 mmHg था एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
in the blood capillaries ये 40 mmHg था. तो ये जो मूवमेंट हुआ फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. क्लियर? यहां तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको. नंबर टू, ये जो पार्शियल प्रेशर आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का 52.7% विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ 45 mmHg. अब इसको अगर मैं रिलेट करूं तो यहां पे भी जो कंडीशन है, यहां पे जो कंडीशन बनेगा क्योंकि बाहर कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज 0.3 mm ऑफ मर्करी. तो बाहर पार्शियल प्रेशर 0.3, यहां पार्शियल प्रेशर बन रहा है 45, एंड यहां पे भी जो पार्शियल प्रेशर है वो अराउंड, यहां पे जो पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का वो भी अराउंड 40 के करीब रहेगा. ओके, तो ये जो गैस है यानी CO2, ये डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू अल्वियोलाई, एंड फ्रॉम अल्वियोलाई इट डिफ्यूजेस थ्रू एटमोस्फेरिक एयर. बात समझ में आ रही होगी आपको. तो ये पूरा जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, इट इज टोटली बेस्ड ऑन डिफ्यूजन. तो मैं अब इसको समराइज्ड फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. सो इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसको हम कंपेयर करेंगे विद एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? तो मैं जल्दी से इसको समराइज्ड फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा. तो इंस्पायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 158 mmHg. देन इन अल्वियोलर एयर पार्शियल प्रेशर गोज टू, यहां जो अल्वियोलर एयर था यहां पार्शियल प्रेशर था 104 mmHg. क्लियर? एंड जो ब्लड कैपिलरीज थे उसको मैं रेड से मार्क कर दू, पल्मोनरी आर्टरी, इट ब्रिंग्स 5.4% ऑफ ऑक्सीजन विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 mmHg. क्लियर? तो यहां पे पल्मोनरी आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था ये 40 mmHg. तो एक्चुअली हुआ क्या, ये प्रोसेस जो था वो डिफ्यूजन पे बेस्ड था. ये आप देख रहे हो ना, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. तो यहां पे सिंपली आपको ऐड करना है, सिंपल डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, सिंपल डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन. एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में फिर एक्चुअली क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 95 mmHg हो जाएगा एज अ पल्मोनरी वेन. ये सारे कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. अब एक्सचेंज ऑफ CO2 हम लोग समझते हैं, ये जस्ट रिवर्स हुआ था. तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स, पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स 52.7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलर एयर इट इज अबाउट 40 mmHg. क्लियर ना? तो एक डिफ्यूजन हो जाएगा फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द अल्वियोलर एयर. तो दिस इज द
first diffusion 45 mmHg to 40 mmHg. So this is the simple diffusion process. And now from alveolar air to, अब इसको बहुत इजीली समझना है, थर्ड स्टेप को, इन एटमोस्फेरिक एयर, तो एटमोस्फेरिक एयर में क्या है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg, तो यहां पे ये फिर डिफ्यूज्ड होगा एंड बाय दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. तो मैंने समराइज्ड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया एक्सचेंज ऑफ O2 एंड एक्सचेंज ऑफ CO2. अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, कैसे ब्लड में ये गैस ट्रेवल करता है एंड एक्सचेंज कैसे होता है विद द बॉडी टिश्यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड. Transport of gases in the blood. तो जितना इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस था फ्रॉम एटमोस्फेरिक एयर टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन उतना ही इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड है. ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड सिंपली मीन्स द एक्सचेंज बिटवीन the blood portion and body tissue. Okay, body tissues. तो पहले हम लोग देखेंगे transport of oxygen how it takes place, then transport of carbon dioxide. तो transport of oxygen एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इज टोटली बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी पिगमेंट. सिर्फ 1.5% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा. तो 1.5% ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Clear? And 98.5% oxygen transports through the respiratory pigment, that is hemoglobin. Okay? तो पहले हम लोग समझेंगे hemoglobin के बारे में, तब इसके process को detail में समझने की कोशिश करेंगे. वीडियो सही बनना नहीं चाह रहा है. सो हीमोग्लोबिन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम हीमोग्लोबिन का पहले स्ट्रक्चर समझें. ओके, तो हीमोग्लोबिन मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोबिन पार्ट विच इज अ प्रोटीन पार्ट एंड हीम पार्ट which is the iron containing part or ferrous part. So globin is a protein part aur ye jo hem part hai it is a ferrous part. Clear? Ab ek important cheez aapko yaad rakhni hai jo aapse competitive exam mein pucha jata hai, protein is about 95% and iron is about 5%. Clear? अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए आपको चीज पता है ना, प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स एंड एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस ग्लोबिन में, इस हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व. क्लियर? तो इस प्रोटीन में आपको एक चीज और अच्छे से याद रखनी है, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व in the formation of hemoglobin part. Okay, ab is chain mein 2 alpha chain are there and 2 beta chain are there.
बात समझ में आ रही है आपको? अब इस चीज को मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो क्योंकि काफी कॉइल स्ट्रक्चर इसका, तो इस तरह से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो फर्स्ट टू आप देख रहे हो, दिस इज बीटा वन, सॉरी बीटा वन, एंड ये जो सेकेंड कंपोनेंट आप देख रहे हो, दिस इज बीटा टू। बस समझ में आ रही है आपको? एंड जो नेक्स्ट टू है, these two are alpha groups, alpha one and alpha two, okay? तो काफी coil structure है, बस आपको ये याद रखना है ये first chain, ये second chain, ये third and fourth, clear है? अब मैं इसको बहुत easily एक circle के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बहुत easily आपको समझ में आ जाए, clear? तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे? इस तरह से टू अल्फा चेन लेंगे एंड यहां से टू बीटा चेन लेंगे। तो एक जंक्शन बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे, यहां पे जंक्शन बना लेते हैं जिससे कि ये याद रहे कि दिस वन इज बीटा वन एंड बीटा टू, और यहां पे भी जंक्शन बना लेंगे हम लोग to represent alpha one and alpha two, clear ना? तो ये हो गया एक hemoglobin का rough structure for understanding mainly। अब इस hemoglobin के structure में two alpha and two beta तो clear हो गया, यानी four polypeptide हम लोगों ने समझ लिया है। अब each polypeptide consists of a prostatic group and that prostatic group is known as ferrous group. So this one is first ferrous group and yahan hum log lenge second ferrous group, fir yahan hum log isko thoda sa niche kar lete hain alpha 1 and this is third ferrous group and yahan pe hum log lenge fourth ferrous group, theek hai? तो फेरस हो गया इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप। अब ये जो फेरस का अटैचमेंट हुआ है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है इतने से पोर्शन में ताकि चीजें बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो आप इसको लेके। तो ये हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? ये पॉलीपेप्टाइड है एंड इस पॉलीपेप्टाइड में ये जो फेरस है इट इज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है? ये प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया फेरस, और पॉलीपेप्टाइड मींस ग्लोबुलिन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, सॉरी इट्स ग्लोबुलिन, ठीक है? अब इसमें भी आपको एक बेसिक चीज क्या समझनी थी कि ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप का अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हो ये होता है बाय एन अमीनो एसिड, एंड यहां पे जो अमीनो एसिड है ये हिस्टोडिन है, ओके? तो इस साइट को बोलते हैं लिंकर साइट, लिंकर साइट। एंड लिंकर साइट का मेन फंक्शन क्या है? लिंकर साइट फेरस ग्रुप को अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है ना, तो ये लिंकर साइट जो है ये एक अमीनो एसिड से बनेगा। तो यहां पे अमीनो एसिड है अमीनो एसिड हिस्टोडिन, अमीनो एसिड हिस्टोडिन। तो लिंकर साइट ये फेरस हो गया इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड ये पूरा एक चेन पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसे ही कंडीशन सारे पॉलीपेप्टाइड के साथ मैंडेटरी है, ओके? एक दो तीन चार, तो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन पे जो अटैचमेंट है फेरस ग्रुप का वो होगा बाय लिंकर साइट, और ये लिंकर साइट प्रोवाइड करेगा अमीनो एसिड हिस्टोडिन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इस आयरन ग्रुप से ऑक्सीजन आके बाइंड होगा, तो एक ऑक्सीजन इस आयरन के साथ बाइंड होगा, फिर सेकेंड
then third and fourth. क्लियर ना? आप नंबर भी कर सकते हो इसको ताकि भूलो ना. 1, 2, 3 and 4. तो सिंपली मीन्स कि एक जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करेगा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ऐसे HbO2 4. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि एक हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. बात समझ में आ रही है आपको? अब एग्जैक्टली होगा क्या कि एक नॉर्मल पर्सन में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उस 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग समझे तो नॉर्मल पर्सन में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, क्योंकि ये भी आपसे नीट में पूछा जाता है. और एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, बाइंड्स विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर इसको 15 ग्राम से ऑब्टेन करें तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में अराउंड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. तो ये 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एक्चुअली इन 100 ml ऑफ ब्लड में है. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है कि ये 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है इन 100 ml ऑफ ब्लड. तो 100 ml में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दैट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. अब ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया. अब बाइंडिंग तो ऑक्सीजन की हो जाएगी विद द फेरस ग्रुप, एंड फेरस की बाइंडिंग है विद द लिंकर साइट विच इज अमीनो एसिड. अब ये प्रोसेस जब बाइंडिंग के बाद कन्वर्ट होगा, यानी जब ऑक्सीजन बाइंड हुआ है हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन. एंड ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रेवल करेगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज और इनटू द आर्टरीज फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स और टिश्यू. अभी कैसे सप्लाई करेगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन एक बार में अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है तो जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस पे बाइंड हो जाएगा. ओके, तो सपोज यहां पे मैं एक प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा. तो ये हम लोग मान के चलेंगे RBC, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, तो ये आपका RBC एंड इस RBC में ये चीज तो अंडरस्टूड है ना कि इस हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंड है और ये जो है ये बॉडी का नॉर्मल सेल है. तो जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन तो है नहीं, यहां पे अगर ऑक्सीजन होगा तो बहुत कम होगा क्योंकि यहां पे CO2 ज्यादा है. ठीक है, बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है. तो होगा क्या, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द RBC टू द नॉर्मल सेल एंड CO2 कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो CO2 डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द नॉर्मल सेल टू द RBC. इसलिए मैंने कहा था कि जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है विद ऑक्सीजन इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा. ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है
ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा सेल टू सेल, सेल टू सेल एंड सेल टू सेल जब तक ये आरबीसी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ओके अब हम लोग समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में किया जाता है ये समझने से पहले आपको चीज पता होनी चाहिए कि वीनस ब्लड मतलब वीन्स में जो CO2 का लेवल है इट इज अबाउट 3.7 ml एंड जो एट्रियल ब्लड है यानी आर्टरीज में एट्रियल ब्लड और आर्टरीज इट इज अबाउट 3.4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय ब्लड वो सिर्फ 0.3 ml ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट्स इन ब्लड अर्थ ब्लड। तो ये डेटा भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वीनस ब्लड का भी एंड एच्यूर ब्लड का भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्री प्रोसेसेस के थ्रू होगा। पहले इस प्रोसेसेस को हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है इसमें जो पहला प्रोसेस है वो है इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म में बहुत सिंपली आपको चीज मेंशन करना है कि CO2 का प्लाज्मा में डिसॉल्व होना। तो CO2 गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है। एंड बाय दिस प्रोसेस और इन द डिसॉल्व फॉर्म इट इज अबाउट 5% ट्रांसपोर्टेशन। तो इट इज अबाउट 5-7% ऑफ टोटल CO2 ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा। नंबर टू इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। एंड ये बहुत अच्छे से आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही होता है विच इज अबाउट 70%। ओके अब ये प्रोसेस होता कैसे है इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है लोग कंफ्यूज्ड कहां होते हैं कि ये प्रोसेस प्लाज्मा में नहीं होता ये प्रोसेस आरबीसी में होता है। ओके तो ये जो आरबीसी का पिगमेंट है दिस इज हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग में क्या है सराउंडिंग में है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड अगर साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है तो ये अंडरस्टूड है कि साइटोप्लाज्म में 70% वाटर। ओके तो व्हेन CO2 डिफ्यूजेस इन द आरबीसी तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एंड ये प्रोसेस अब मैं आपको बार समझाऊंगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो डिफ्यूज हुआ इन टू द आरबीसी इट रिएक्ट्स विद द वॉटर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कहां हुआ? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ इन थ्रू द आरबीसी इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मैं इसको रख कर रहा हूं ताकि प्रॉपर आप समझ सको। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोनिक एसिड बना था, ये कार्बोनिक एसिड बना हुआ है ना, अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो दिस इज बाइकार्बोनेट एंड यहां पे हम इसे ऐसा हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, ओके। यानी बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन भी आरबीसी के ही साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हुआ है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन भी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ आरबीसी में हुआ, ये डिसोसिएट हुआ बाइकार्बोनेट आयन में, ये भी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ आरबीसी में हुआ है। अब होगा क्या, थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जाके बाइंड हो जाता है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। अब डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, इस हीमोग्लोबिन के साथ पहले बाइंड था ऑक्सीजन था ना, तो जैसे ही ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा, मतलब जैसे ही ये ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा ये इससे बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा ना, और जैसे ही इससे बाइंड होगा ये बनेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड, ओके। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जब डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो इस कंडीशन को हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट करे एंड ये हाइड्रोजन आके इससे बाइंड हो जाए तो हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप नंबर फोर में क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना था यहां पे, मैं ये जो प्रोसेस है बाइकार्बोनेट आयन वाला इसको मैं यहां शो कर रहा हूं। तो बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हुआ था यहां पे, ओके। तो ये बाइकार्बोनेट आयन अब आरबीसी से डिफ्यूज होगा इनटू द प्लाज्मा, के बाहर प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट यहां आ जाएगा एंड इन टर्न जो क्लोराइड है वो प्लाज्मा से आरबीसी में आ जाएगा, ओके। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ये जो बाइकार्बोनेट आयन था इट डिफ्यूजेस टू प्लाज्मा, ओके, एंड इन टर्न ये आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ गया एंड इन रिटर्न प्लाज्मा से ये क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। तो प्लाज्मा इन टर्न gives chloride, okay, to RBC. तो दोनों प्रोसेस में डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है। सो इस फिनोमिना को क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। क्लियर। अब होगा क्या, ये जो बाइकार्बोनेट एंटर हुआ है, सॉरी क्लोराइड जो एंटर हुआ है यहां पे, ये बाइंड हो जाएगा विद पोटेशियम टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। तो स्टेप नंबर सिक्स इज क्लोराइड
ये आरबीसी के अंदर होगा, बाइंड्स विद पोटेशियम टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। ओके, ये हुआ है प्रोसेस आरबीसी के अंदर। मैं आरबीसी ही मेंशन कर दूं, ज्यादा इजी है। तो आरबीसी में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। और बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट जाके सोडियम में बाइंड हो जाएगा, तो बाइंड्स विद सोडियम। ओके, तो स्टेप नंबर सिक्स इज बाइकार्बोनेट आयन बाइंड्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, एंड व्हाई दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसी एज वेल एज इन द प्लाज्मा और बिटवीन द प्लाज्मा एंड द आरबीसी। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स। थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। एक्चुअली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन, तो दैट फॉर्मेशन जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है दैट इज वेरी फैटल, दैट इज इंजूरियस। सो ये जो प्रोसेस है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द CO2 binds with hemoglobin, and ये process भी तब होगा जब hemoglobin and oxygen का dissociation होगा। Okay? तो when oxygen dissociates from hemoglobin, carbon dioxide binds with it to form carbamino hemoglobin. तो अबाउट 23% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इन दिस फॉर्म थ्रू द आरबीसी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाइलेन इफेक्ट। थैंक यू सो मच।